सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल श्री बात तो यूटूब चैनल को और दबाए इस घंटी के बटन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका टेक्निकल श्री बात तो यूट्यूब चैनल में मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज हम आपके लिए ब्लॉगिंग की दूसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको ब्लॉग कैसे तैयार करना है बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप हम आपको फुल प्रोसेस बताएंगे कि आपको कैसे ब्लॉग करना है और ये दो तीन दिन, दिन की क्लास होगी फ्रेंड हम दो तीन दिन, दिन में आपको बिल्कुल पूरी प्रोसेस बता देंगे और आप भी अर्निंग करने लगोगे फ्रेंड तो फ्रेंड यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए लाल कलर के बटन को तब आकर वहाँ पर एक घंटी का बटन बन बन जाएगा उसे भी क्लिक कर लीजिए ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी तो फ्रेंड कल तक आपने देखा था कि हमने आपको हमारा ब्लॉग दिखाया था जिसमें ऑटो ब्लॉग यानी ऑटोमेटिक पोस्टें होती हैं तो ऐसा ही आपको बनाना है तो आज हम इसी टॉपिक पर यानी बात करने जा रहे हैं और आपको सिखाने वाले हैं कि आप कैसे इसे तैयार कर सकते हैं फटाफट तो चलिए फ्रेंड सबसे पहले हम अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने जो भी जी मेल आई डी हो आपकी उससे आपको यहाँ पर यानी लॉगिन होना है क्रोम में और लॉगिन होने के बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ फ्रेंड के क्या करना है आपको एक न्यू टैब लेना है न्यू टैब में आपको यहाँ पे गूगल सेम्बली फ्रेंड ये नीचे वाला जो ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना पड़ेगा तो हम गूगल पे क्लिक कर लेते हैं थोड़ा लंबा वीडियो होगा फ्रेंड लेकिन आप लोगों को अच्छी जानकारी इसमें मिल सकती है तो इसमें आप ब्लॉगर डॉट काम लिखिए तो हमें यहाँ पे ब्लॉगर डॉट कॉम लिख देते हैं देखिए ब्लॉगा डॉट कॉम हमारा पहले से ही है इसलिए हम इस सॉरी फ्रेंड हम ब्लॉगर डॉट कॉम लिख देते हैं इस पर देखिए ब्लॉगर डॉट कॉम आ गया है इस पर हमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये फर्स्ट आ जाता है जो ब्लॉगा डॉट कॉम डॉ एच डी टी पी एस तो इस पर हमें क्लिक करना है जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा और इसके लिए देखिए फ्रेंड इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा तो इसके वो आपको क्या करना है आपको यहाँ क्रिएट क्रिएटी न्यू ब्लॉग पर क्लिक करना है यानी आप जब आप इसमें लॉग इन हो जाओगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा तो इस प्रकार के इंटरफेस के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है क्रिएट यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू ब्लॉग पे आपको क्लिक करना है आप यानी दूसरी तरीके से जब आप लॉगिन होंगे तो वहीं पे आपके सामने न्यू क्रिएटिव ब्लॉग का आएगा तो यहाँ पे आप क्या कीजिए यहाँ पे आप न्यूज़ से रिलेटेड बनाना है तो आप यहाँ पे इंडिया न्यूज़ टुडे या कुछ भी डाल सकते हैं तो हम यहाँ पर हम यहाँ पर इंडिया न्यूज़ टुडे डाल देते हैं इंडिया देखिए फ्रेंड तो आपको क्या करना है यहाँ पे अपने यानी टाइटल देने दे देना है इंडिया न्यूज़ स्टूडियो हमने टाइटल दे दिया है और देखिए आपको एड्रेस ऐसा डालना है जो यहाँ पे अवेलेबल हो तो हमने देखिए यहाँ पे न्यूज़ इंडिया टुडे हिंदी डॉट ब्लॉक स्पोर्ट डॉट कॉम हमने डाल दिया है तो ये अवेलेबल है अब आपको किस पर कोई भी टेम्पलेट पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्रिएटिव ब्लॉक पर आप क्लिक कर दीजिए जैसे आप क्रिएटिव ब्लॉक पर क्लिक करते हैं उसके देखिए फ्रेंड तो हमारा ये ओपन हो चुका है आपके सामने फिर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और देखिए फ्रेंड तो इसके बाद अब हम आपको कल बताएंगे कि आप बेसिक सेटिंग्स इसकी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं यानी एस सी ओ की आप सेटिंग्स कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं जो उसे आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और अपने फटाफट अपनी यानी ब्लॉक को रैंक करा सकते हैं और हम आपको डोमेन बाय करके भी बताएंगे फ्रेंड आने वाली वीडियो में जब ज़रूरत पड़ेगी इसकी तो कैसे आपको बाय करना है तो फ्रेंड यहाँ से आप स्टेटस देख सकते हैं अपने ब्लॉग या अभी हाल तो फ़िलहाल तो स्टेटस को, को कोई झंझट ही नहीं है क्योंकि अभी हाल तो यहाँ पे कुछ भी हमने पोस्ट वगैरह नहीं किए हुए हैं तो जब हम पोस्ट यहाँ पे कर देंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसे यानी ऑटो ब्लॉगिंग है हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा ऑटोमेटिक सब पोस्ट होता है फ्रेंड तो चलिए फ्रेंड गुड बाय कल हम आपको बताएँगे टेम्पलेट वग़ैरह एडिट कैसे करना है और बेसिक सेटिंग्स कैसे कम्प्लीट करना है